यूपी के गाजियाबाद में रविवार को बच्चा चोरी की खबर के बाद बवाल हो गया। गाजियाबाद जिले के लोनी के अशोक विहार कॉलोनी में मांगने खाने वाली तीन महिलाओं को बंधक बनाकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव का प्रयास किया तो ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने अतिरिक्त बल मंगाकर बंधक महिलाओं को ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त करा ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि अशोक विहार कॉलोनी में रहने वाले मोहम्मद शमीम का 9 माह का बेटा बीते बुधवार को चोरी हो गया था। परिजन इस संबंध में पुलिस को शिकायत देने के साथ खुद भी बच्चे की तलाश कर रहे थे। इसी बीच रविवार की सुबह ऋषि कॉलोनी की रहने वाली तीन महिलाएं सुरेश, मधु और पल्लव भिक्षा मांगते हुए अशोक विहार कॉलोनी पहुंच गई। उन्हें देखकर मोहल्ले के लोगों ने इन्हें बच्चा चोर समझ लिया और स्थानीय निवासी फारूक के घर में इन्हें बंधक बनाकर मारपीट करने लगे। इतने में सूचना मिलने पर लोनी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों महिलाओं को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों के आक्रोश के आगे पुलिस की एक ना चली। ऐसे में थोड़ी देर बाद क्षेत्राधिकारी लोनी अतुल सोनकर अतिरिक्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हल्का बल प्रयोग कर तीनों महिलाओं को ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त करा लिया। इसके बाद जैसे ही पुलिस टीम आगे बढ़ी, ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को घेर कर पथराव शुरू कर दिया। ऐसे में पुलिस ने लाठी फटकारते हुए ग्रामीणों को खदेड़ा। ग्रामीणों के पथराव के दौरान एक तरफ जहां क्षेत्राधिकारी लोनी की गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, वहीं एक पुलिस कांस्टेबल मूलचंद को गंभीर चोटें आई है। उनके हाथ पर पत्थर लगने से घाव हो गया है। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। ग्रामीणों के पथराव से अन्य कई पुलिस कर्मियों को भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर ईरा राजा ने बताया कि इस मामले में भीड़ के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने और पुलिस टीम पर पथराव करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस पथराव करने वालों की पहचान कर रही है। इसी के साथ ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त कराई गई तीनों महिलाओं से भी पूछताछ की जा रही है। देखा जा रहा है कि बच्चा चोरी के मामले में उनकी कोई भूमिका है या नहीं। ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त कराते समय खींचा तानी में बंधक बनाई गई एक महिला के कपड़े फट गए। हालांकि लोनी कोतवाली ने तुरंत एक पास के घर से एक लोई मंगाकर उसे ओढ़ा दिया और थाने ले आए। पुलिस ने बताया कि चूंकि अचानक घटनाक्रम की वजह से कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, ऐसे में हालात को देखते हुए व्यवस्था बनानी पड़ी। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। सर, अशोक विहार कॉलोनी में पुलिस पर हमला हुआ है, क्या है पूरा मामला? अशोक विहार कॉलोनी में आज लगभग 1.5 घंटा पहले की घटना है, जिसमें तीन महिलाओं को बच्चा चोरी के शक में वहां के जो कुछ निवासी हैं उन लोगों ने उनको बंधक बना लिया था। पुलिस को जैसी सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और उन लोगों से ये बोला कि आप इनको हमारे हवाले करते ताकि हम इनसे पूछताछ कर सकें। लेकिन लगातार जैसा उनका एटीट्यूड था, वो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी पुलिस की और पुलिस से अभद्रता भी करने लगे। तो उसी में जब हम लोगों ने और अन्य थानों की फोर्स बुलाई और फिर वहाँ से उन महिलाओं को निकालने का प्रयास किया, तो हमारी कुछ गाड़ियों पर उन्होंने पथराव किया जिससे कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए। कोई भी पुलिसकर्मी अभी हताहत नहीं है इसमें, और अब इसमें महिलाओं को हमने वहाँ से सकुशल निकाल लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है क्या वो इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व हैं या नहीं, ये पूछताछ के बाद पता चलेगा। और जिन लोगों ने भी इस तरह का कृत्य किया है उसके विरुद्ध हम मुकदमा पंजीकृत करके कठोर धाराओं में और बहुत ही कठोरतम उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। अभी किसी गिरफ्तारी हुई अभी किसी? अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहे जागरूक।